दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में बैंक चार्जेस की एंट्री विद जीएसटी टैक्स के साथ किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बैंक हमारे से कुछ सर्विस चार्ज के रूप में पैसे डिडक्ट करता है और उस सर्विस चार्ज पे जीएसटी टैक्स भी हमारे से लेता है। तो उस टैक्स की एंट्री यानी कि ऐसा सर्विस टैक्स जिसपे उसने सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स हमारे से पैसा लिया है टैक्स के रूप में, तो उसकी एंट्री हम बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में किस प्रकार करेंगे ये आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल रूप से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट देखना, कोई भी स्टेप आप इस वीडियो का स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है, आप अकाउंट्स को प्रैक्टिकल तरीके के साथ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर और बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। हमने बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट ओपन करवाया है, करंट अकाउंट, और उसमें हमने कैश डिपॉजिट भी करवाया है और उसके साथ साथ हमने कुछ पार्टियों को चेक भी इशू किए हैं। तो इनकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एंट्री करना सीखेंगे, बाद में जो हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आया है बैंक की तरफ से उसको देख के हम हमारे बुक्स में यानी कि बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री किस प्रकार करेंगे और उसका जो अकाउंट्स का बैलेंस है बैंक के साथ वो हमारे बिजी सॉफ्टवेयर के साथ किस तरीके से टैली करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमने करी है उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास है वो ये है भी हमने 1 फरवरी 2021 को बैंक ऑफ इंडिया में ये 40,000 रुपये कैश डिपॉजिट करवाया है। तो इसकी एंट्री हम किस प्रकार करेंगे, तो दोस्तों जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से कैश विड्रॉ करवाते हैं तो इसकी एंट्री हमें कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। तो दोस्तों बिजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन मेन्यू पर जाएंगे और ट्रांजैक्शन मेन्यू पर जाने के बाद हम जाएंगे इस कॉन्ट्रा वाउचर पे और कॉन्ट्रा वाउचर पे जाने के बाद हम करेंगे यहाँ से ऐड के ऑप्शन को, क्योंकि हम फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं। हम ऐड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर डेट देंगे 1 फरवरी को और उसके बाद में डेबिट। तो दोस्तों डेबिट हमें किसको करना है, बैंक को करेंगे और बैंक हमारे पास कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। तो हमें बैंक ऑफ इंडिया का एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक लेज़र क्रिएट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों ये कैसे किया वो भी आपको दिखा देता हूँ, मैं एल्ट एम के साथ मॉडिफाई करूँगा। बैंक ऑफ इंडिया अंडर में इसे मैंने बैंक अकाउंट रखते हुए रखा है, इसका जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया वो बैंक अकाउंट दिया है और उसके बाद में कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान और यहाँ पर इसको टाइप ऑफ डीलर को मैंने रजिस्टर्ड रखा है और यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर भी दिया है, क्योंकि दोस्तों बैंक ने हमारे से सर्विस चार्ज के रूप में जो सर्विस दी है उस पर जीएसटी टैक्स भी कलेक्ट किया है तो उस टैक्स का हमें आईटीसी क्लेम भी लेना है, तो इसलिए मैंने इस यहाँ पर बैंक को रजिस्टर्ड रखा है। अगर आप अपने बुक्स में जो बैंक चार्ज लगा हुआ है उस पर आईटीसी आप क्लेम नहीं रखते तो उसे आप अनरजिस्टर्ड भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर विद जीएसटी की एंट्री करने वाला हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप ऑफ डीलर को रजिस्टर्ड रखा है और इस लेजर को मैंने किया सेव और उसके बाद में जो हमने कैश डिपॉजिट करवाया वो 40,000 रुपये है तो हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक को 40,000 रुपये से और यहाँ पर शॉर्ट नरेशन में हम लिख देंगे कैश डिपॉजिट विद अकाउंट ओपनिंग। कि हमने अकाउंट ओपन करवाया है और क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पे कैश को और इसको वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव। कैश के नेगेटिव वार्निंग दे रहा है तो कोई बात नहीं, इसके एक बार मैं यस करते हुए स्किप करूँगा और इस वाउचर को करूँगा सेव। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की। तो दोस्तों उसके बाद हमने चेक, फर्स्ट चेक इशू किया है विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को। दोस्तों आपको मैं सबसे पहले एक लेज़र दिखाऊंगा, डे बुक में सारी टोटल ट्रांजैक्शन दिखा देता हूं। डिस्प्ले पर हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे और टोटल हम पूरे ईयर्स की एक बार यहां पर डे बुक को ओपन करूंगा। ये मैंने पीरियड यहां पे दे दिया 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक और उसके बाद में
इसको ओके करूंगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन वो आई है जो अभी हमने यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर में जो बैंक में कैश डिपॉजिट कराने वाली एंट्री करी है, और एक हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी से कुछ ये इनवॉइस के थ्रू गुड्स परचेज किए हैं, और इसी विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को हमने चेक के द्वारा भुगतान करना है। तो किस तरीके से करेंगे, ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। अब हम चेक के द्वारा भुगतान कर रहे हैं तो हम जाएंगे पेमेंट में। अगर हम कैश के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं तो भी हम पेमेंट वाउचर यूज करेंगे, अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ हम पेमेंट कर रहे हैं तो भी हम पेमेंट वाउचर को यूज करते हैं। तो अब पेमेंट वाउचर पे जाने के बाद हम करेंगे ऐड, और उसके बाद में जो उस चेक की डेट है वो हम देखेंगे 2 फरवरी 2021 को है, तो यहाँ पर हम 2 फरवरी देंगे। तो दोस्तों अब हमें एक पेमेंट वाउचर के लिए कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर देख रहे हो ये जो वाउचर नंबर है इस पर हमारा कर्सर अभी गया ही नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट है जो नन पे क्लिक है। तो सबसे पहले हमें इस पेमेंट वाउचर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए वापस हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर पे, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे, उसके बाद में वाउचर सीरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन पर एंटर प्रेस करेंगे, और उसके बाद में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेमेंट वाउचर को और इसकी मेन सीरीज़ को, और उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा वाउचर नंबरिंग का, वाउचर नंबरिंग पर जाएंगे। और अब आप यहाँ पर देख रहे हो जो वाउचर जो मेथड था यहाँ पर नंबरिंग टाइप का वो नोट रिक्वायर्ड था, तो हम इसे नोट रिक्वायर्ड से हटा के इसको हम करेंगे मैनुअल। और उसके बाद में दो ऑप्शन और हमारे से पूछेगा, डुप्लीकेट वाउचर नंबर, यानी कि आप सेम वाउचर को दो बार एंट्री वापस करना चाहोगे क्या, तो हमें दो बार नहीं करनी है सेम वाउचर की, इसलिए हम यहाँ से इसको करेंगे डोंट अलाउ, और ब्लैंक भी नहीं रखना, इसको भी हम डोंट अलाउ करेंगे, और इसको करेंगे ओके। तो वापस हम ट्रांजेक्शन पर आएंगे, पेमेंट वाउचर पर आएंगे, एड यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे 2 फरवरी, और अब हम यहाँ पर देंगे वाउचर नंबर में चेक का नंबर जो हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को चेक इशू किया है 210-101 का, तो 210-101 नंबर चेक हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसमें GST नेचर टाइप है इस पर हमें रखेंगे यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल नॉन GST, क्योंकि हम इसमें किसी टाइप की कोई GST का कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं कर रहे, केवल सिंपल हम पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। डेबिट हम करेंगे विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को, और उसके बाद में इस चेक की अमाउंट 5000 हमने पे किया है 5000, और उसके बाद में एडजस्टमेंट करेंगे उस रेफरेंस नंबर के साथ जो हमारा इनवॉइस का नंबर था, और उसकी पेमेंट हम करेंगे ओके। अब इस शॉर्ट नरेशन भी हम यहाँ पर चेक नंबर लिख सकते हैं, और अब क्रेडिट हम करेंगे यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को, क्योंकि हमने कैश के थ्रू भुगतान नहीं किया, बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया है, और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव। इस तरीके से जो नेक्स्ट चेक था हमारे पास 2 नंबर, वो भी हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को पे किया है, ये भी 2 फरवरी को किया है, लेकिन इसकी जो अमाउंट है वो 4000 है। तो अब इसमें हम एल्ट आर के साथ अगर प्रेस करेंगे वाउचर नंबर पर आके, जो हमारा लास्ट वाउचर था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस 1 को हटा के हम यहाँ पर करेंगे 2, और नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, विश्वकर्मा ट्रेडिंग को पेमेंट करेंगे 4000, और एडजस्टमेंट सेम उसी इनवॉइस के अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं, और क्रेडिट में हम बैंक ऑफ इंडिया रखेंगे, और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव। इस तरीके से ये एक 3 नंबर चेक है, ये हमने NEFT कराई है सेम विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को। तो एल्ट आर हम प्रेस करेंगे, लास्ट वाउचर रिपीट हो जाएगा, और विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को, और 25000 अगेंस्ट रेफरेंस वही इनवॉइस रहेगा सेम ही हमारा, और क्रेडिट में बैंक ऑफ इंडिया। हम तो यहाँ पे शॉर्ट नरेशन में इसका चेक नंबर भी लिख सकते हैं, और इस वाउचर को करेंगे यहाँ से सेव। तो इस तरीके से 3 हमने बैंकिंग चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन करी है, और एक हमने ये बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, तो इस तरीके से टोटल 4 ट्रांजेक्शन हमने बैंक के साथ करी है। अगर हम हमारी VZ सॉफ्टवेयर में बैंक का अकाउंट अगर हम देखेंगे तो इसका जो बैलेंस है और जो हमने हमारे को बैंक ने जो स्टेटमेंट दिया उसका बैंक में कितना डिफरेंस आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो किसी पार्टी का लेजर देखना हो, किसी बैंक का स्टेटमेंट देखना हो, तो हम सबसे पहले इस डिस्प्ले मेन्यू पर आएंगे, और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे, अकाउंट्स बुक पर आएंगे, और अकाउंट्स बुक पे आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कैश एंड बैंक बुक, तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद में सिंगल कॉलम, और यहाँ पर अकाउंट नेम में बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और पूरे ट्रांजेक्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं हमारा जो बैंक बैलेंस है, कैश हमने डिपॉजिट कराया था तो बैंक को डेबिट किया था, और उसके बाद में ये 3 ट्रांजेक्शन हमारी क्रेडिट हुई है।
तो अब हमारे हिसाब से हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 6,000 रुपये आ रहा है, लेकिन बैंक की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारा बैंक में जो पैसा है वो है 5,765 रुपये और 20 पैसे का। क्योंकि अब ऐसे जो खर्चे होते हैं बैंक के, उसके हमारे पास कोई वाउचर नहीं होते, और उन खर्चों की एंट्री हमें बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद ही पता चलता है भी बैंक ने हमारा कितना सर्विस चार्ज लगाया है। अब ये सर्विस चार्ज आपका कुछ भी हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी हो सकता है, चेक बुक इश्यू भी हो सकता है, NEFT RTGS चार्ज, SMS चार्ज या नेट बैंकिंग का चार्ज, जो भी आप सर्विस ले रहे हो उसके सर्विस चार्ज के रूप में पैसा किसी तरीके का भी हो सकता है, लेकिन जो एंट्री करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। तो दोस्तों ये कुछ ट्रांजेक्शन है, ये बैंक ने हमारे से सर्विस चार्ज के रूप में ये पैसा डिडक्ट किया है। आप ये देख रहे हो, एक हमारे से ये पैसा डिडक्ट बैंक ने किया है 64 रुपये 24 पैसे, और उसके बाद में 5 रुपये 78 पैसे और 5 रुपये 78 पैसे SGST और CGST टैक्स भी हमारे से लिए है। तो इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करेंगे, क्योंकि जब हमें बैंक की जो खर्चे हमारे लगे हैं इन खर्चों की जब एंट्री हम कर लेंगे हमारे सॉफ्टवेयर में, तो ये बैंक का बैलेंस हमारे साथ टैली करना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हम वापस जाएंगे बिजी सॉफ्टवेयर पे। अब हमें जो बैंक चार्जेस लगे हैं उनकी एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए हम ट्रांजैक्शन मेन्यू पर आएंगे और वापस हम पेमेंट वाउचर पर आएंगे, और पेमेंट वाउचर पर आने के बाद में जिस तारीख में बैंक ने हमारे चार्ज लिए 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर कुछ भी लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब हमें यहाँ पर एक GST जो नेचर है इसमें हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B का, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमें नोट एप्लीकेबल नहीं करना है, क्योंकि हम ITC का क्लेम लेंगे जो CGST और SGST टैक्स हमारे से बैंक ने लिए, इसके लिए हम रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस करेंगे। अगर आप CGST और SGST का क्लेम नहीं लेना चाहते हो तो आप नोट एप्लीकेबल नॉन GST को सेलेक्ट कर सकते हो। तो रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस पे मैं क्लिक करूंगा। अब हमें डेबिट करना है बैंक चार्जेस को। तो दोस्तों आप बैंक चार्जेस का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट बिजी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी क्रिएट किया होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो क्रिएट ऑलरेडी किया हुआ है उसके साथ हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, हम एक नया लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्टकट F3 यूज करूंगा और यहाँ पर एक नया लेजर क्रिएट करूंगा बैंक चार्जेस विद GST, यानी कि GST के साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और इसका जो ग्रुप रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे, और इसके बाद जो GST टाइप है इसका हम इसे GST को एप्लीकेबल रखना है, नॉट एप्लीकेबल नहीं करना, हमें GST को एप्लीकेबल करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद में जो टैक्स की कैटेगरी है वो 18% है, GST 18% लगेगा, और उसके बाद में HSN कोड इसका कुछ भी हो सकता है, मैं एक बार 1 2 3 4 दे रहा हूँ। और उसके बाद में जो ITC ऑप्शन आपके पास आ रहा है इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इनपुट सर्विस को, इनपुट सर्विस को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में जो रिवर्स चार्ज है इसे हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो ये कुछ हमें लेजर क्रिएट करते वक्त एक्सपेंसिस का ये ध्यान रखना है भी, हमें जो GST है वो एप्लीकेबल रखनी है, टैक्स की कैटेगरी में देना होगा, HSN कोड देना होगा, और जो ITC हमारी है एलिजिबिलिटी उसके अंदर हम इनपुट सर्विस स्कोर कर रखेंगे, और रिवर्स चार्ज को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें रिवर्स चार्ज है जो डिपॉजिट नहीं करवाना है, और इस लेजर को मैं करूँगा सेव। तो उसके बाद में डेबिट, अब डेबिट हम करेंगे इसकी टैक्सेबल वैल्यू को 64 रुपये और 24 पैसे से, तो 64 रुपये और 24 पैसे रखेंगे, और वापस यहाँ पर हम करेंगे डेबिट ऑप्शन, और अभी हम यहाँ पर रखेंगे CGST इनपुट 5 रुपये 78 पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा, और उसके बाद में SGST टैक्स भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम क्रेडिट यहाँ पर करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को, तो अब ये बैंक ऑफ इंडिया का टोटल जो बैलेंस हमारा 75 रुपये 80 पैसे जो क्रेडिट हो जाएगा, और इस वाउचर को हम जैसे सेव करेंगे तो कुछ ऑप्शन हमारे से यहाँ पर इस रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस के बारे में पूछेगा। तो जो पार्टी है वो बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके बाद में जो अकाउंट नेम है बैंक चार्ज भी GST है। अब परचेज इनवॉइस के अंदर आप इस स्टेटमेंट में से देखे कुछ भी आप लिख सकते हो, जो आपकी सर्विस है, जो बैंक चार्जेज ने यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर भी इस पर लिखा होगा, तो इनवॉइस नंबर भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, और उसके बाद में जो यूनिट है यूनिट के अंदर हम यहाँ से नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और इस वाउचर को हम यहाँ से करेंगे सेव। और इस तरीके से एक ये हमारा 2 फरवरी के अंदर एक्सपेंसेस और है, सेम इसी तरीके की एंट्री हम ये करेंगे, बनेंगे एक्सपेंसेस 2 हम करेंगे यहाँ पर रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस B2B को रखेंगे, और डेबिट हम करेंगे बैंक चार्जेज विद GST को, और इसके टैक्सेबल वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर 127 रुपये और 12 पैसे, तो 127 रुपये 12 पैसे। वापस हम डेबिट करेंगे CGST टैक्स इनपुट, तो आप देख रहे हो 11 रुपये 44 पैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ गए, हमने टाइप ही नहीं किया, और SGST टैक्स भी ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अब वापस हम करेंगे बैंक ऑफ इंडिया को, तो ये 150 रुपये जो बैंक का क्रेडिट हो जाएगा। और इस वाउचर को हम सेव करेंगे तो सेम ऑप्शन एक बार दोबारा फिर से हमें टाइप करना पड़ेगा और यूनिट एस के हम नोट एप्लीकेबल करेंगे और इस वाउचर को करेंगे यहाँ से सेव। और इस तरीके से एक ये NEFT चार्जेस, जब हमने 25,000 रुपये की ये जो चेक नंबर 3 के साथ हमने विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी को पेमेंट किया था तो ये 9 रुपये हमारा NEFT चार्ज भी लगा है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे? अब दोस्तों इसकी एंट्री हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम बैंक में जाएँ, इसके पेमेंट वाउचर में जाएंगे, एक्सपेंसेस यहाँ पे 3 करेंगे और इसे हम नोट एप्लीकेबल करेंगे और बैंक चार्जेस जो सिंपल बैंक चार्ज है जिसपे GST हम नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ बैंक ने भी इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया हुआ, तो 9 रुपये करेंगे और इसको क्रेडिट हम कर देंगे बैंक ऑफ इंडिया को। दोस्तों एक तरीका तो है ये, अगर आप इस तरीके से करोगे तो भी एंट्री बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी एंट्री जब हमने चेक के थ्रू पेमेंट करी थी, आपको मैं दिखा देता हूँ 3 नंबर जो चेक हमने पेमेंट किया था, अगर इसके साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहो इसकी तो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? जैसे कि हमने 25,000 रुपये की पेमेंट हमने पार्टी को करी थी इस चेक के थ्रू, इस 25,000 रुपये की, क्योंकि हमने NEFT कराई तो NEFT चार्ज भी बैंक से लगेगा, तो हम 25,000 रुपये पार्टी को करेंगे डेबिट और उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया को हम यहाँ पर करेंगे 25,009 रुपये से क्रेडिट। अब वापस यहाँ पर डेबिट का ऑप्शन आएगा और हम यहाँ पर इसमें बैंक चार्जेस के साथ 9 रुपये डेबिट कर देंगे। तो दोस्तों अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन हम करते हैं तो भी बिल्कुल सही है और इस वाउचर को हम करेंगे यहाँ से सेव। तो दोस्तों अगर हम बैंक के साथ हमारा बैंक स्टेटमेंट मिलान करें, अकाउंट बुक में जाएंगे, कैश बुक पे जाएंगे, कैश और बैंक बुक पे जाएंगे, सिंगल कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, तो अब आप देख रहे हो, अब हमारी जो सारी ट्रांजैक्शन करने के बाद में, सभी खर्चे करने के बाद में जो हमारा बुक्स के अंदर यानी कि विजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो बैलेंस आ रहा है बैंक का, वो 5,765 रुपये और 20 पैसे का आ रहा है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट भी ये 5,765 रुपये और 20 पैसे का बैलेंस आ रहा है, यानी कि सभी खर्चे एंट्री करने के बाद ये हमारी एंट्री जो बैंक की स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल मिलान करेगा। तो दोस्तों अब हमें जो GST की एंट्री हमने करी है बुक्स के अंदर, उसका इफेक्ट हमारे बुक्स पर कहाँ पड़ेगा यानी कि टैक्सेशन में कहाँ आएगा, ये इसका आएगा GST रिपोर्ट पर हम जाएंगे, उसके बाद में GST रिटर्न को देखेंगे और GSTR 3B को अगर हम देखेंगे यहाँ पर सारा का, तो इसके अंदर जो हमारा ITC जो हमें क्लेम करना है उसका ITC हमारा इसमें ऑल अदर ITC के अंदर सारा एड देखेगा। अगर हम परचेज वाउचर की देखें तो ये परचेज वाउचर पर जो हमारा टैक्स लगा था, आप देख रहे हो यहाँ पर 7,8,786 रुपये और 43 पैसे, तो इतना ITC तो हमें ये मिलना ही मिलना है। उसके अलावा तो यहाँ पर जो ITC अभी आपको नज़र आ रहा है वो 8,803 रुपये और 65 पैसे का है, तो जो डिफरेंस आ रहा है पेमेंट वाउचर में देखें तो ये पेमेंट वाउचर में हमें 17 रुपये और 22 पैसे का जो CGST और SGST टैक्स हमें ITC मिला है, तो 5 रुपये 78 पैसे और 11 रुपये 44 पैसे। तो इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे और हमारा जो परचेज का ITC है उसके साथ अगर प्लस करेंगे तो हमारा 8,803 रुपये और 65 पैसे आएगा। अगर हम GST 2 अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर B2B के जो ट्रांजैक्शन है, अब इस B2B के ट्रांजैक्शन में भी हमें इस बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है वो यहाँ पर शो होएगा और इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी हमें शो होएगी कि कितना कितना ITC हमें बैंक से लेना है, तो इसमें भी टोटल आपको यहाँ पर शो होगा टोटल टैक्सेबल वैल्यू और उसका CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो इस तरीके से हम इस बैंक खर्चे की जो एंट्री है, अगर हमें ITC लेना हो तो पेमेंट वाउचर में जाके हमें रजिस्टर्ड एक्सपेंसेस यानी कि B2B भी जाके ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। अगर हमें इस एक्सपेंसेस का यानी कि इस खर्चे का ITC नहीं लेना है तो हम non-GST पे जाके सिंपल एंट्री भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। अगर वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताना और अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके की नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।